सो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज है, CUET PG से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि चलो आपके कोर्स के लिए बातचीत हो रहा है, और ये जो आर्टिकल छपा है ये इंडियन एक्सप्रेस पे है, और जो स्टेटमेंट है वो है एमजे कुमार जी का, और एमजे कुमार जी हैं करंट में UGC का चेयरमैन। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ऑफिशियली है थ्रू आउट द मीडिया चैनल। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो जो चीज मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है आपके पास तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय बहुत सारे जो है वो कट ऑफ के वीडियोज ले आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है जिसमें सबसे पहली लाइन लिखा गया है कि लगभग 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला था। जो करेक्ट वैल्यू है वो लगभग 4,60,000 के आसपास है। थोड़ा सा और नीचे ले जाओगे तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,62,000 के आसपास। तो अपने आप में अमाउंट ठीक ठाक है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट ठीक ठाक थे यहाँ पे। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है क्या क्या चीजें ये बता रहे हैं। लगभग 28 तारीख का आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम जो हुआ है ये लगभग यहाँ पे इतने सारे टेस्ट पेपर बनाए गए थे, यहाँ बताया जा रहा है कि कितने सारे टेस्ट पेपर बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे 190 यूनिवर्सिटीज के लिए इधर फॉर्म पड़ा हुआ है, 190, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, बहुत सारे एफिलिएट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, मतलब जो भी अपने CUET में रजिस्ट्रेशन कराया वो सब यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है। लगभग 190 यूनिवर्सिटीज इस बार है। फिर यहाँ बताया जा रहा है ये वो डेट है जिस जिस डेट को आपके एग्जाम हुए हैं, और ये 28 को फाइनली आपका एंड हो गया है। 28 इसलिए दिमाग में रखना है क्योंकि बताऊंगा 28 के बाद ये लोग एक काउंटिंग बताए हैं आपके रिजल्ट का। और यहाँ पे जो सिटीज रखे गए थे वो रखे गए थे लगभग 253, यानी 250 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए थे, और मुझे लग रहा है यही कारण है कि एग्जाम बड़ा स्मूथली हुआ है। वैसे पिछले साल की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ कि CUET इस बार ठीक ठाक रहा, मतलब बच्चों के जो रिव्यूज रहे ग्राउंड लेवल पे वो पेपर को लेके बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी नहीं है, अक्सर मैंने सुना है कि मॉडरेट रहा है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कर सकते हो कि हाँ सर हार्ड रहा, इजी रहा, कैसा रहा। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि इस बार फॉरेन में भी सेंटर्स बनाए गए, कुवैत में, रियाद में, कतर में, देख लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेन सेंटर्स भी रहे हैं जहां बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि लगभग 4,557 कोर्सेज, मतलब जो ये 190 यूनिवर्सिटीज हैं इसमें 4,000 यानी 4,597 कोर्सेज की 157 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे। पेपर भी बता दिया इन्होंने कि कितना, लगभग 44 शिफ्ट रहा है, 140 पेपर्स रहे हैं, और 18,000 आपके क्वेश्चंस बनाए गए थे इन पूरे कोर्सेज के लिए। ठीक है, और बोथ लैंग्वेज में आपका पेपर रहा है, बाकी जिसके लिए पर्टिकुलर सिलेक्शन लैंग्वेज रहा है उनके लिए भी पेपर यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, अब इतना सारा चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, जो मेन मुद्दा है वो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, जो मेन मुद्दा है वो ये कह रहे हैं आपके रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट को लेके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट विल बी अनाउंस विद इन 3 वीक्स ऑफ द लास्ट स्टेज द UGC चीफ हैड अनाउंस्ड अर्लियर। कहने का मतलब ये है कि जो 28 तारीख है, जो मार्च 28 को अंतिम पेपर हुआ है, वहां से 3 हफ्ता, मैं आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था उसमें डिस्कस किया था कि आपका लगभग एंड ऑफ अप्रैल में रिजल्ट आने की संभावना है, आप 3 वीक ऐड करोगे तो मुझे लग रहा है वही एंड ऑफ अप्रैल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग 22-23 अप्रैल 25-30 फाइनली समझ सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि सर आंसर की का क्या हुआ, आंसर की को लेके कोई स्टेटमेंट यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बिहाफ आपको बता देता हूँ कि 1 वीक में जो कि 28 से शुरू हो चुका है, तो 7 अप्रैल 8 अप्रैल से पहले और 5 अप्रैल के बाद हो सकता है 5 को आ जाए या 4 के जस्ट बाद काउंट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 3-4 दिनों बाद सुनने में आने लगेगा कि हो सकता है आपका आंसर की अपडेट हो जाए। मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना जब आंसर की आएगा, क्योंकि आंसर की से पता चल जाता है आपका मार्क्स कितना आने वाला है, और जब मार्क्स पता चल जाएगा कितना आने वाला है तो आप प्रीवियस ईयर के रेफरेंस कट ऑफ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जबकि मैं पूरे वीडियोज कवर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं LLB का कट ऑफ वीडियोज दे चुका हूँ, होम साइंस का ऑलरेडी दे चुका हूं, और कई सारे मेरे पास ऑलरेडी बन के रखे हुए, बस अपलोड करना है। तो ये सीरीज लगातार फॉलो अप होगा, हम लोग को बस वीडियोस देखने हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना है, क्योंकि काउंसलिंग तक ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जल्दी से बताइए कि आप किस कोर्स से रिलेटेड है और किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिससे कि मैं उस यूनिवर्सिटीज और उस कोर्स के लिए कट ऑफ एनालिसिस करके आप तक पहुंचा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। हर हर महादेव।